चलिए एक और बच्चे से मिलते हैं, आसिफ खान से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 197 है और इनको एनआईटी इलाहाबाद अलॉट हुआ है और इन्होंने फाइनल ईयर के साथ ही ये रैंक अचीव की है। ये यूपी महोबा से हैं। तो आसिफ सबसे पहले इस रैंक के लिए बहुत सारी बधाई, थैंक यू और सर। क्योंकि आपने फाइनल ईयर के साथ निकाला है, कई बच्चे जो फाइनल ईयर में होते हैं उनके मन में बहुत सारी शंका रहती है कि हम रेगुलर उसमें निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, और आसिफ क्लासरूम के रेगुलर स्टूडेंट है। तो आसिफ मैं चाहूंगा कि आप अपनी सक्सेस जर्नी बच्चों को बताएं और कॉलेज मैनेजमेंट के साथ फाइनल ईयर को कैसे मैनेज, वो निमसेट को कैसे मैनेज किया ये भी बताएं। ओके, हेलो एवरीवन। तो पूरी जर्नी मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। बिल्कुल, तो मेरा ऐसा था, मैंने जैसे ही 12th की, उसके बाद तुरंत मैं यहाँ पर भोपाल आ गया, और मैंने BCA भी यहीं एमपेटस से किया है। तो मेरा ऐसा था कि पहले ही सेमेस्टर में मैंने अच्छे से बिल्कुल मैथ पे फोकस करना शुरू किया। मैथ के बेसिक ठीक थे, क्योंकि 12th तक अच्छे से मैथ पढ़ी थी। तो यहाँ पर जब मैं आया, पहले ही वीक में टेस्ट था मैट्रिक्स का या डिटरमिनेंट का, तो उसमें मेरी कुछ रैंक आई 6। तो प्रेशर मतलब स्टार्टिंग से बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि नंबर हमेशा से अच्छे आ रहे थे और रैंक भी हमेशा टॉप 10 में आ जाती थी। तो ऐसे ही करते करते पहला सेमेस्टर निकल गया। लेकिन जब पहला सेमेस्टर के एग्जाम एग्जाम आए, तो उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि BCA पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो कल एग्जाम था और रात को हम देख रहे थे कि तीसरी यूनिट है कौन सी, तो कुछ ऐसा हाल था। फिर उसके बाद पहला सेमेस्टर निकल गया। तो फिर अगले सेमेस्टर में क्या किया कि BCA पे फोकस किया। तो उसमें केवल क्लास की और टेस्ट दिए, बस इतना किया। तो ऐसे ही एक साल निकल गई। जब दूसरी साल आई, तो उसमें अच्छे से पढ़ना किया स्टार्ट के, इस साल बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है सब, और अगली साल केवल टेस्ट देंगे और उसके साथ अच्छी रैंक लेकर आएंगे। लेकिन फिर 3 महीने अच्छे से पढ़ा, उसके बाद कोविड आ गया। तो फिर उसके बाद मैं घर चला गया और 9 महीने कुछ बस मस्ती करते रहे और थोड़ा बहुत उसके साथ पढ़ते रहे। तो ऐसा ही चला और 2 साल निकल गए। और जब तीसरी साल आई, फिर बिल्कुल अच्छे से रेगुलर पढ़ना शुरू किया, और पूरे साल 1-2 महीने छोड़ दें तो बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ा, और रैंक भी हमेशा अच्छी आती रही। ऑफलाइन में हमेशा टॉप 5 में आती रहती थी। और जब लेकिन फिर उसके बाद कोविड जब दोबारा आया, तो उसके बाद मैं घर चला गया, और वहाँ पर ऐसा हुआ कि 1.5 महीने मैंने कुछ नहीं किया, केवल नानी के घर चला गया, और वहाँ दोस्त थे तो वहाँ पर केवल मस्ती करते रहे और कुछ नहीं किया। थोड़ी बहुत बस वीडियो देख लेता था सर की। लेकिन जब जैसे ही डेट आई, फिर मैंने दोबारा से पढ़ना स्टार्ट किया, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसमें मैंने टेस्ट भी नहीं दिए थे 1.5 महीने में, तो कुछ 15 टेस्ट पेंडिंग पे थे। और जब मैंने पहला टेस्ट दिया, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट तो ठीक थे, पर फॉर्मूले बिल्कुल खत्म हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि एक रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन रिवाइज करने का सोचा, तो इतनी 4 कॉपी है मेरी नोट्स की, तो मैंने ये तो रिवाइज करूंगा तो सब निपट जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक दिन में 3-3 टेस्ट देना शुरू किए, और साथ में एनालिसिस किया, और सर का जो दूसरा चैनल है मैथ्स गुरु, उसकी वीडियोज करना स्टार्ट की। तो जो क्वेश्चन नहीं होते, तो केवल उसी के फॉर्मूले में देख लेता था नोट्स से, और इसी के साथ किया। तो मतलब ज्यादा डीप नहीं गया। फिर मैंने ऊपर ऊपर से जो क्वेश्चन आते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन, उन सबके अप्रोच और फॉर्मूले वगैरह वो सब रिवाइज कर लिए। तो पहले दिन मेरी जो उसके बाद मैं वापस आया था 1.5 महीने के बाद, तो उसमें रैंक आई 350 मॉक में। फिर अगले दिन 200 पे पहुंचा, और 4 दिन लगे फिर वापस वही फ्लो आ गया, मतलब अप्रोक्स वही फ्लो आ गया, वैसा तो नहीं आया। तो फिर ठीक है, रैंक आने लगी। फिर जब लास्ट के बचे थे कुछ अराउंड 10 दिन, तो उस टाइम पे फिर BCA के असाइनमेंट वगैरह आ गए, तो फिर वो भी बनाना शुरू किया। तो उसमें 2-3 दिन गए, फिर उसके बाद थोड़ी तबीयत खराब हो गई 3 दिन, तो 3 दिन फिर कुछ नहीं पड़ा, वो भी ऐसे ही गए। फिर उसके बाद जब 7 दिन बचे, फिर जो पूरी साल तो बिल्कुल डर नहीं लगा मेरा, बिल्कुल बिना किसी प्रेशर के ऐसे ही पढ़ता रहा, क्योंकि नंबर आते थे तो प्रेशर आया ही नहीं कभी। लेकिन जब 7 दिन बचे, फिर थोड़ा डर लगा, क्योंकि जब एक तो तबीयत खराब हो गई थोड़ा, फिर उसके असाइनमेंट भी बनाए, तो उसमें काफी सारा टाइम चला गया और ये पढ़ाई नहीं हो पाई। तो लगा कि अब नहीं होगा, अंदर से डर लगा बहुत। तो फिर मैंने मम्मी से जाके कहा कि मम्मी, अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या होगा। तो मम्मी ने हंस के कहा हो जाएगा, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा था कि पढ़ रहे रेगुलर, लेकिन अंदर से डर था बहुत, और बार बार वही ख्याल आ रहे थे। उसमें मेरा पूरा दिन निकल गया यही सोच के, पढ़ाई हो ही नहीं रही थी, डर लग रहा था कि सिलेक्शन नहीं होगा। पूरे 3 साल मेहनत करी, लेकिन लास्ट में जो गड़बड़ कर दिया, उससे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सोचा, मुझे अपने आप से थोड़ी ज्यादा बात करने की आदत है, फिर मैंने सोचा और कहा कि अब जिद नहीं सोचना। अगर ऐसा सोचा कि पेपर बिगड़ जाएगा या नहीं हुआ तो क्या होगा, तो वहां पे मेन पेपर में यही दिमाग में सारे ख्याल चलेंगे, और पेपर फिर बिल्कुल बर्बाद होना ही है। फिर मैंने अपने आप से कहा कि या तो इस साल हो जाएगा, और इस साल नहीं हुआ तो अगली साल सिलेक्शन तो होगा, लेकिन टॉप रैंक के साथ होगा बिल्कुल। और फिर मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, और फिर मैं यहाँ भोपाल आ गया। 7 दिन बचे थे कुछ, और 7 दिन में अच्छे से पढ़ा, प्रीवियस ईयर भी कंप्यूटर के सारे करे, मैथ के सारे करे एक बार, रीजनिंग नहीं कर पाया, टाइम कम था। तो फिर एग्जाम देने गया जिस दिन, तो एकदम फ्रेश माइंड के साथ करना शुरू किया। और क्वेश्चन बस ऐसा था कि क्वेश्चन किल करना है, जैसे आए करते जाओ और कर दिया, और 2 घंटे कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला, और एग्जाम अच्छे से हो गया। अच्छी
ईयर से प्लान किया था, पर क्या हुआ कि लास्ट ईयर कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ, वो तो आपने भी गलती करी कि लास्ट ईयर कोविड स्टार्ट हुआ और ऐसे में ये जब बच्चे घर गए तो उन्होंने पढ़ाई नहीं। इस साल भी एग्जाम के 10 दिन पहले जो मुझे इसने बताया भी, एक तो पहले तो सेमिस्टर्स के कुछ असाइनमेंट सबमिट करना जरूरी था बीमारी होने के बाद, और देखिए कई बार कितना बड़ा माइंड गेम सेट होता है, अगर आप शायद ये वो नहीं सोचते तो 197 की जगह हो सकता है अंडर 100 भी होते, तो कई बार हमारा थॉट प्रोसेस चीजों को कबाड़ा कर देता है। पर अच्छी बात है कि लास्ट टाइम तक ये समझ में आ गया था ठीक है जो होगा देखा जाएगा, नहीं होगा तो अगले साल, तो ये एक प्रेशर फ्री होके एग्जाम देने का ही रिजल्ट है। बातें बहुत अच्छी रहेंगे आपकी, और आप बहुत छोटी सी जगह से महुआ, तो वहां पर भी मैं कहूंगा कि आप कोशिश करना कि अपना अवेयरनेस प्रोग्राम रखो, जो बच्चे गाइडेड मिसगाइडेड है उनको गाइड करो, और ऐसे आप भी आगे बढ़ो और आपके पीछे और भी लोग आगे बढ़े, क्योंकि एक सक्सेस ना बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज लाती है, आपके सराउंडिंग जितने रिलेटिव्स हैं आसपास जो लोग लेते हैं वो जब आपके सक्सेस देखते हैं ना तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, थैंक यू सर, थैंक यू।